दोस्तों अगर आप वेट कर रहे हैं पोको के नए फोन लॉन्च होने का तो ये न्यूज बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि पोको दोस्तों अपने एक नए फोन पे काम कर रहा है जो बहुत जल्दी आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। और ये फोन दोस्तों कुछ ऐसे स्पेक के साथ आएगा कि आपको जरूर से ये फोन परचेस करने का मन करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं पोको के इसी अपकमिंग फोन के बारे में, जिसका डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा। और FCC सर्टिफिकेशन साइट से दोस्तों बहुत सारी चीजें जो है लीक होकर सामने निकल के आई है कि क्या कुछ स्पेक के साथ ये फोन आएगा, इसमें बैटरी कैसी होने वाली है, कैमरा कैसे होने वाला है, डिजाइन कैसा होने वाला है, ये सारी चीजें जो है हम लोग को ऑलमोस्ट पता चल गई है। तो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा और ये जो फोन है क्या Realme 7 Pro और OnePlus Nord जो है दोस्तों इसको टक्कर दे सकता है। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा जो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। यहाँ पे पीछे जो है आप देख सकते हैं पोको का एक बड़ा सा लोगो देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है इस बार कोई रीब्रांड का सीन नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल एक नया फोन होने वाला है पोको की तरफ से। और ये बात के लिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि पोको जो है एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, किसी फोन को रीब्रांड करके जो है नहीं लॉन्च कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो कैमरा का जो मॉड्यूल है दोस्तों वो ठीक से दिख नहीं रहा है, वहां पे जो है कट किया गया है। तो कुछ इमेज सामने निकल के आए हैं जहां से पता चलता है कि कुछ इस तरह का डिजाइन आपको पोको के X3 में देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लिस्टिंग की तरफ देखें तो यहां से पता चलता है कि ये जो फोन है दोस्तों आने वाला है लगभग 5160 mAh की बैटरी के साथ में, साथ में यहाँ पे 33 W की फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फोन का अगर हम बैक पैनल देखें दोस्तों तो पोको के लोगों के साथ साथ हमें जो है 64 MP का AI सुपर कैमरा भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 64 MP का कैमरा आपको कंफर्म जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी चीजें अभी कंफर्म नहीं है, जो रूमर्स है मैं वो आपको बता दे रहा हूं। ऐसा बोला जा रहा है ये जो फोन है सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, मिडिल में आपको पंच होल देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तों ये जो फोन है OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो प्रोसेसर होगा दोस्तों वो बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 675 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और यहां पे दोस्तों आपको अप टू 8GB तक की रैम देखने को मिलेगी, 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा 256GB का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और यहां पे अगर मैं आगे बात करता हूं दोस्तों तो 64 MP का क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलेगा और 32 MP का आपको जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। बाकी अदर पोको फोन की तरह ये भी फोन जो है MIUI पे रन करने वाला है, जहां तक मुझे लगता है MIUI 12 आपको देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 10 पे ये बेस होगा और यहां पे आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ चीजें दोस्तों बाहर निकल के आई है पोको X3 को लेके। मुझे दोस्तों पर्सनल इसका डिजाइन जो है काफी अच्छा लगा है, काफी यूनिक लगा है। देखते हैं ये जो फोन रियल में जब सामने निकल के आता है तो ये किस तरह हम लोग को देखने को मिलता है। अभी के लिए आप मान के चल सकते हो कि इसका डिजाइन जो है कुछ इस तरह का होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लॉन्च और इसके प्राइस को लेके। तो ऐसा बोला जा रहा है ये जो फोन है इंडिया में आपको अर्ली सितंबर में देखने को मिल सकता है और साथ में इसकी जो प्राइस है 20,000 से 25,000 के बीच में हो सकती है और ये सीधा टक्कर देने वाला है दोस्तों OnePlus Nord को और साथ में Realme 7 Pro जो लॉन्च हो रहा है उसको भी टक्कर देने वाला है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये पोको का अपकमिंग फोन, क्या आप इस फोन को परचेज करना चाहोगे अगर ये 20,000 से 25,000 के बीच में लॉन्च होता है? और हाँ दोस्तों बताइएगा आप कि पोको का ये नया डिजाइन आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।